नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीसी T20 विश्व कप के 28वें मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। इस मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय कप्तान को टॉस के दौरान निराशा हाथ लगी और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए इस बार भी अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई। इस बार टीम इंडिया ने रोहित शर्मा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था और ईशान किशन और केएल राहुल से ओपनिंग करवाई, लेकिन इस बार भी टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई। पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने ईशान किशन का शिकार कर लिया। जी हां, एक फुल लेंथ डिलीवरी थी जिसे ईशान किशन लेग साइड के ऊपर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन पर डेरल मिचेल को एक आसान सा कैच थमा बैठे। ईशान किशन 8 गेंदों का सामना कर केवल 4 रन बना सके और वापस पवेलियन लौट गए। इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका निकला। टीम इंडिया को पहला झटका पारी के तीसरे ओवर में तब लगा जब टीम का स्कोर केवल 11 रन था। ट्रेंट बोल्ट ने शानदार अंदाज में इस विकेट का जश्न भी मनाया। आपको बता दें, टीम इंडिया को पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेटों से हार मिली थी और इस मुकाबले में टीम इंडिया को हर हाल में जीत हासिल करनी है। वहीं न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में 5 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड भी जीत के इरादे से मैदान में उतरी है। आईसीसी इवेंट्स में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल फिलहाल के सालों में बेहद निराशाजनक रहा है। ये यूं कहें, पिछले 18 सालों में भारत आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।